हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जिसे हाइड्रो पावर भी कहा जाता है, जो हाइट से गिरने या तेजी से बहने वाले पानी की मुमकिन तवानाई को टरबाइन से मैकेनिकल तवानाई में तब्दील करती है। फिर इस मैकेनिकल तवानाई से जनरेटर की मदद से बिजली पैदा की जाती है। 21वीं सदी के शुरू में पन बिजली तवानाई की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली शक्ल थी। 2019 में इसने दुनिया की कुल बिजली की पैदावार का 28% से ज्यादा हिस्सा लिया। ज्यादातर रवायती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में चार बड़े अज्जा शामिल होते हैं। डैम दरिया के पानी की सतह को बुलंद करता है और पानी के बहाव को भी कंट्रोल करता है। टरबाइन के ब्लेड्स पर गिरने वाला पानी टरबाइंस को घुमाने का सबब बनता है। टरबाइंस गिरने वाले पानी की तवानाई को मैकेनिकल तवानाई में तब्दील करती हैं। जनरेटर शाफ्ट और मुमकिन तौर पर गियर के जरिए टरबाइन से जुड़ा हुआ है, लिहाजा जब टरबाइन घूमती है तो इससे जनरेटर भी घूमता है। टरबाइन मैकेनिकल तवानाई को बर्की तवानाई में तब्दील करता है। ट्रांसमिशन लाइन्स हाइड्रो पावर प्लांट से घरों और कारोबार तक बिजली की फराहमी करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की पैदावार में पानी को ज्यादा बुलंदी पर जमा या जरखेज किया जाता है, बड़े पाइपों या पिनस्टॉक के जरिए नीचे की तरफ लाया जाता है। फिर इन पाइपों के नीचे इख्तिताम पर गिरता हुआ पानी टरबाइनों को घुमाने का सबब बनता है। टरबाइनें बदले में जनरेटर को चलाती हैं, जो टरबाइन की मैकेनिकल तवानाई को बिजली में तब्दील करती है। इसके बाद ट्रांसफार्मर जनरेटर के वोल्टेज को लंबी दूरी की तरसील के लिए मुनासिब वोल्टेज में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।